हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कैसे हम सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिंपल तरीके से एकदम, और क्विक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, क्योंकि हमें पता है जितना भी हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का रीजनिंग है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेस है हमारा पीरियोडिक टेबल, और रीजनिंग के लिए जितना क्विक हमारे दिमाग में स्ट्राइक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उतनी जल्दी हम आंसर दे पाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस के। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बच्चों को आता नहीं है क्योंकि उनको बहुत टफ लगता है ये वाली चीज़। तो हम आज आपको बताएंगे कि एकदम सिंपल तरीके से खेल खेल में आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करेंगे और क्विक लिखेंगे कैसे, एकदम जैसे बिजली पहुंचती है दिमाग में उस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो थोड़ा पेशेंस से आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हमें डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी, डी हमेशा छोटा बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चों? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम चलेंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अगर स्टार्ट करते हैं तो साइंस, टीचर, वेरी, क्रूअल, माने, फीस, कॉइन, नहीं, क्यों, जाऊं, ये तो एलिमेंट हो गए हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के। देन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में है सचिन, यादव, लालू एंड अकलर, ये चार ट्रांजिशन सीरीज है हमारे पास, ठीक है। सचिन, यादव, लालू, अकलर, ये चार ट्रांजिशन सीरीज हैं। तो फर्स्ट के ये एलिमेंट हो गए, सेकंड के हो गए वाई, वाई रविंद्र सर वाई, यानी वाई से शुरू होती है वाई जरा, नवंबर मंथ तक रुके रहो, पड़ी आग कड़ी, ठीक है। देन ये हो गई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज, और ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज यानी 4D सीरीज, ये हो गई थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी 5D सीरीज, और ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज यानी 6D सीरीज, ठीक है। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से हुए? लालू, मतलब ला के बाद के 14 एलिमेंट, इनकी पूरी पार्टी नीचे वेट कर रही है इनका लैंथेनॉइड, है ना। तो लालू के बाद, मतलब ला के बाद पूरे 14 एलिमेंट, तो लालू, लालू की पार्टी यहाँ पे हो गई, इसके बाद लालू हाफ टा वोला रे ओसामा इराक पिटने आयो हैगो। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हो गई, अकलर की पार्टी यानी इनकी पार्टी के 14 एलिमेंट नीचे वेट कर रहे हैं इनका, और उसके बाद के एलिमेंट यानी अकलर की पार्टी, उसके बाद क्लर रफी डूबा डीबी है ये, ठीक है। श्री गणेश भाई हसो
मत। डीएस आरजी सीएन। हसो मत दुष्ट, हसो मत दुष्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट, थ्री डी मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो एक बार फिर से हम इसको रिमाइंड कर लें। ये है हमारी फर्स्ट सीरीज, यानी इसको बोलते हैं 3D सीरीज। ये है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, यानी इसी का नाम है 4D सीरीज। और ये है लैंथेनम वाली थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यानी इसका नाम है 5D सीरीज। और ये है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, यानी इसका नाम है 6D सीरीज, ठीक। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पहले इतना याद होना चाहिए कि एक्सेप्शनल किस किस का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको एक्सेप्शनल पता है तो बाकी का नॉर्मल ट्रेंड से आप भरते चले जाएंगे। तो एक्सेप्शनल में कौन है, एक ये फैमिली है वो पूरी पागलों की है, यानी ये सब एक्सेप्शन है। इस फैमिली के जितने मेंबर हैं वो सब एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन है एक्सेप्शन, कृष्ण मोहन नबी, रुके रहो पड़े नहीं तो पिटोगे, रुके रहो पड़े पिटोगे, ठीक है। ये तो पागलों की फैमिली हो गई। कौन कौन, क्यों आगरा IORG, क्यों आगरा IORG, ये पागलों की फैमिली है, सबके सब एक्सेप्शनल है, ठीक है। फिर कौन कौन है एक्सेप्शन, कृष्ण मोहन नबी, कृष्ण मोहन नबी, रुके रहो पड़े इतोगे, है ना। ये इतने एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनल हैं। एक्सेप्शनल को याद कैसे रखोगे, क्यों आगरा IORG, ये वाली फैमिली एक्सेप्शनल है, यानी 11th। इसके बाद कौन कौन है, कृष्ण मोहन नेबी, रुके रहो पड़े पिटोगे, इतने एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन बस ये है कि इनका एफ का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, एफ का इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाएगा। और ये जो PD है ये डबल एक्सेप्शन है, ये याद रखो। डबल एक्सेप्शन का मतलब ये है कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एफ से डी में, समझ गए। ये सब इन सब में क्या पागलपन है या क्या एक्सेप्शनल है, सबके एफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एफ का डी में चला जाता है जंप होकर। और ये डबल एक्सेप्शन है, डबल एक्सेप्शन में क्या होता है, पैलेडियम का दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पता हो तब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो इनका याद रखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का अगर आपको याद है तो आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। और फर्स्ट का ट्रिक लिखने के लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, मीन्स एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें इनके एटॉमिक नंबर चाहिए। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21 है ना। फिर टाइटेनियम का 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, Mn 25, 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। ये एटॉमिक नंबर है। इसी एटॉमिक नंबर से और हमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कंडेंस्ड जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, कंडेंस्ड में क्या होता है, नोबल गैस के बाद आप फिर स्टार्ट कर देते हैं, तो कंडेंस्ड वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होने चाहिए, तब ये आपका एकदम जल्दी सही होगा। तो कंडेंस्ड लिखने के लिए आपने क्या सीखा था कि ही ने आर कर जीरो
यानी कि हीलियम के बाद कौन सी भरी जाएगी? हीलियम के बाद 2s भरी जाती है, नियोन के बाद 3s भरी जाती है, आर्गन के बाद 4s भरी जाती है, और क्रिप्टन के बाद 5s, जिनोन के बाद 6s और रेडोन के बाद 7s भरी जाती है। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। और क्या याद रखना है? ये तो याद ही है कि यहाँ पे 3d की फिलिंग होगी, यहाँ 4d की फिलिंग होगी, यहाँ 6d की। यानी 3d जब आप भरोगे तो 3d कहाँ भरी जाएगी? आपकी यहाँ भरी जा रही है, फोर्थ पीरियड में भरी जा रही है 3d, ठीक है। तो 3d के जस्ट पहले आपको कौन सी नोबल गैस भरनी है? यहाँ पर आर्गन भरी जाएगी। इतना बस याद रखना है कि 3d सीरीज में नोबल गैस कौन सी फुलफिल्ड होती है? आर्गन। फिर यहाँ पे कौन सी हो गई? क्रिप्टन। यहाँ पे यानी फोर्थ पीरियड देख लो, 4s, 4s मतलब फोर्थ पीरियड में कौन सी नोबल गैस? आर्गन। फिफ्थ पीरियड में कौन सी नोबल गैस? क्रिप्टन। सिक्स्थ पीरियड में कौन सी नोबल गैस? जिनोन। और सेवेंथ पीरियड में कौन सी नोबल गैस? रेडोन। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो अब आ गया इसका नंबर साइंस टीचर का। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, क्विक लिखने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। जब आप 21 लिखते हो तो 21 कहाँ से शुरू होगा? आर्गन में 18 कंप्लीट हो गए, आर्गन के बाद भरा जाएगा 4s1 एंड 3d, सॉरी 4s2 3d1, ठीक है। तो अभी आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी हिसाब करने की जरूरत नहीं है कि 18 दो 20 और एक 21 हुआ, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 21 है तो 21 यानी 21 है तो 21 का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो उठा करके भर दिया डी में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उठा करके भर दिया एस में। बस इतना ध्यान रखना है कि 2 गया एस में, 1 गया डी में। ये कोई ऐसा नियम नहीं है, ना कहीं संविधान में लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ मेमोरी एड है, ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिखने की। अभी आप पहली बार समझ रहे हैं इसलिए आपको ये कठिन लग रहा है, आज आप पढ़ने के बाद इसको अपने से करके देखना, 10 मिनट में आप लिख सकते हो, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेकंडों में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है ना। तो ऐसे ये टाइटेनियम है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये एस में, ये डी में, ये एस में, ये डी में, एस डी, ये एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन याद रखो कि एस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, ठीक है। ये एस में जाएगा, ये डी में जाएगा, एस डी, मतलब ऐसे लिखना नहीं आपको, मैं तो आपको लिखने की मिस अभी के लिए समझा रही हूँ। डायरेक्ट आप लिखिए कि 21 देखा आपने तो तुरंत लिख दिया आर्गन के बाद 4s2 3d1, ऐसे लिख दिया तुरंत। 22 देखा तो आर्गन के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 4s2, ये वाला s में गया, ये वाला d में गया, तो 3d2, ठीक। इसका देखा आपने 23 तो तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया आर्गन, आर्गन के बाद ये s में जाएगा यानी 4s2 3d3, ठीक है। क्रोमियम में ये s में जाएगा लेकिन s का एक इलेक्ट्रॉन d में जंप कर जाएगा, तो आर्गन, और आर्गन के बाद इसका हो गया 4s1 एंड 3d5। देन इसका आर्गन, आर्गन के बाद 4s2 3d5। देन Fe का आर्गन के बाद 4s2 3d6। अब देखिए यहाँ पे मैंने 4s2 बाद में लिखा, 3d5 पहले लिखा। ये हो गया आपका एनर्जी के क्रम में, और ये वाला हो गया न्यूक्लियस से चलते हैं तो पहले हमें यहाँ पे ये वाला, पहले हमें 4s मिलती है फिर 3d मिलती है। न्यूक्लियस से जब चलते हैं तो पहले 4s मिलती है फिर 3d मिलती है, मतलब एनर्जी के क्रम में इस तरह से भरी जाएगी। एनर्जी में तो 3d पहले भरी जाएगी क्योंकि 3d की एनर्जी कम है, तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें, दोनों तरीके का सही है। चाहे आप 4s को आगे लिख दें चाहे पीछे लिख दें। 4s आगे लिखने का मतलब है कि 4s की एनर्जी कम है और 3d की ज्यादा है, ठीक है। और 3d5 4s2 लिखने का मतलब क्या है कि जब आप न्यूक्लियस से चले तो पहले थर्ड एनर्जी मिलेगी
फिर फोर्थ एनर्जी लेवल मिलेगा। इस तरह से दोनों सही है, ये एनर्जी के क्रम में है और ये न्यूक्लियस से बढ़ते हुए डिस्टेंस के क्रम में है। ठीक है, आपके जैसी हैबिट हो, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों सही हैं। अभी हमने कौन सा क्रम लिया है, जब हम न्यूक्लियस से चल रहे हैं तो ऑर्बिट की डिस्टेंस का क्रम लिया है कि 3D पहले मिलेगी, 4s बाद में मिलेगी, और भरने का क्रम लेंगे तो 4s2 पहले भरी जाएगी, 3D बाद में भरी जाएगी। ठीक, तो चलिए एक ही में हमने ये क्रम बदला है, चलो यहाँ भी अपना वही ले लेते हैं जो है, ऐसे दिक्कत वाली कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, चलो या फिर एक ऐसा ही रहने दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3D6 और 4s2। अब 27 वाली बात करें तो 27 में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, आर्गन के बाद आर्गन में 18 कंप्लीट हो और फिर सीधा ये वाला कहाँ जाएगा, 4s2 में जाएगा, है? और 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 3d7, सीधा लिख दिया, बिल्कुल अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम सही आएगा। निकल में क्या किया, आर्गन, आर्गन के बाद 4s2 एंड 3d8। कॉपर में ध्यान रखना है कि 4s का इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा, तो कॉपर का हो गया आर्गन, आर्गन के बाद 4s1 और 3d10। जिंक का, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ आर्गन, आर्गन के बाद 4s2 एंड 3d10। ठीक, अब आइए नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। तो यहाँ पर 3d की फिलिंग हुई थी, यहाँ पर किसकी फिलिंग होगी, 4d की फिलिंग होगी, मतलब यहाँ पे 3d की जगह यहाँ जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो 4d लिख लो, और जो इसका पैटर्न है इसी के पैटर्न पे नीचे वाला लिख दो, बस ये देख लो एक्सेप्शनल है या नहीं है। अगर एक्सेप्शनल है तो वो s का इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा, एक्सेप्शनल नहीं है तो जो ऊपर वाले का है वही रहेगा। ठीक है, ये तो एक्सेप्शनल था तो जो जो है उसी हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे। और नेक्स्ट में गए तो यहाँ आर्गन भरी जा रही थी, तो यहाँ कौन सी भरी जाएगी, क्रिप्टन भरी जाएगी। ठीक है, क्रिप्टन भरी जाएगी, और यहाँ फोर्थ पीरियड में थे तो 4s भर रही थी, यहाँ आपका एक पीरियड और भर गया तो यानी 5s भरी जाएगी, 4d भरी जाएगी और क्रिप्टन लिखा जाएगा। बस आर्गन की जगह यहाँ लिखिए क्रिप्टन, ठीक, और 3d की जगह क्या लिखिए, 4d। जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वही इसका रहेगा, 4d1 और 5s2, केवल क्वांटम नंबर चेंज हो गया। तो ऊपर की लाइन का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो नीचे वाले का क्विक निकाल सकते हैं, और ये कब निकाल सकते हैं, गेम खेल करके, आपस में आप बच्चे लोग मिल करके गेम खेलिए, और तुरंत एक जैसे नेम प्लस थिंग वाला खेलते हैं उसी तरह से ये वाला खेलिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, एटॉमिक नंबर लिखने का, तो आपको खेल खेल में ही ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएंगे और क्विक प्रैक्टिस हो जाएगी। बस ये वाले दिमाग में रहना चाहिए, और इसमें भी कुछ रटने की चीज़ ही नहीं है कि 26 है तो F4S2 3D6, 25 है 4S2 3D5, 24 है मतलब क्रोमियम है, एक्सेप्शन है, 24 और 29 आपको याद रखना है कि 24, 24, 29 एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में क्या है, 4s2 होना चाहिए था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो 4s1 3d5। इस तरह से आपको फर्स्ट लाइन का याद है, सेकंड का अपने आप आपका निकल आएगा, आर्गन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, क्रिप्टन आ जाएगा, यहाँ 3d की जगह 4, देखो एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन माला आपने पहले ही से रेड टिक कर रखा है ना, तो जो इसका है वही इसका भी रहेगा, यानी 4d2 एंड 5s2। ठीक है, इसके लिए क्रिप्टन, ये देखो एक्सेप्शन है, आपने रेड मार्क कर रखा है पहले से, तो क्या एक्सेप्शन होगा, 3d3 की जगह आप यहाँ 4d3 लिखने वाले थे और यहाँ 5s2 लिखने वाले थे, लेकिन 5s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो ये हो गया 5s1 और 4d4। ठीक, अब इसका देखिए, ये भी एक्सेप्शन है, कृष्ण ऑलरेडी एक्सेप्शन है, तो जैसा कृष्ण का होगा वैसा ही मोहन का भी होगा, यानी क्या होगा इनका, क्रिप्टन 4d5 एंड 5s1। ठीक, MN का कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल ये भी है, नॉर्मल ये भी है, तो ये हो गया क्रिप्टन
और क्रिप्टन के पास 4d5 एंड 5s2। रुथेनियम का क्रिप्टन के पास 4d6 एंड 5s2। रोडियम का RH का क्रिप्टन के बाद 5s2 और उससे एक कम यानी 4d7। थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया तो गलत हो गया, ये एक्सेप्शनल था तो क्या होगा, ये s का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा यानी ये हो जाएगा 5s1 और 3d8। यदि एक्सेप्शन था, रेड मार्क कर रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा 5s1 4d7। ठीक है, पैलेडियम डबल एक्सेप्शन है, मतलब एस के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये होगा क्रिप्टन और क्रिप्टन के बाद 5s में 0 और ये हो जाएगा 4d में 6। आप ये ध्यान रखिए, जिस पीरियड का आप भर रहे हैं वही वाली एस भरी जाएगी, फोर्थ पीरियड में तो 4s भरी जा रही है, अगर आप फिफ्थ पीरियड में है तो 5s भरी जा रही है और डी उससे एक कम वाली भरी जा रही है। और नोबल गैस के लिए याद रखिए, थर्ड पीरियड में 3d ऑर्बिटल और आर्गन नोबल गैस भरी जाती है, फुलफिल रहती है। तो द नेक्स्ट हुआ क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद ये है, देखो यदि एक्सेप्शन है तो पूरी पागलों की फैमिली है, तो यहाँ पे क्या होगा 5s1 एंड 4d10। अब जल्दी जल्दी से आप हम लोग लिख सकते हैं ना, पूरे का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन एक आपने समझ लिया तो फटाफट लिख डालिए और फिर चेक करिए कि कहाँ गड़बड़ी है, बुक से फिर बाद में मिला लीजिए। ये हो गया आर्गन के बाद कौन सी नोबल गैस, क्रिप्टन, और क्रिप्टन के बाद ये हुआ 4d10 5s2। यहाँ हो जाएगा क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद 5d10 6s2। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि लालू वो आ गए ना, गुंडे लोग की पार्टी आ गई, यहाँ लालू की पार्टी हफ्ता मांगेगी और यहाँ अकलर की पार्टी हफ्ता मांगेगी, तो फिर यहाँ और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4f14 भी हो जाएगा। सिक्स पीरियड में यहाँ क्या हो जाएगा 4f14, क्रिप्टन और क्रिप्टन के बाद 4f14 ये और हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, लालू का क्या रहेगा, यहाँ क्रिप्टन नहीं होगा, जिनोन होगा, है ना, आर्गन क्रिप्टन जिनोन होगा बेटा। ठीक है, तो लालू 50, ये और चेक भी कर लीजिए, ये 57 है, ये 72 है, ये 73 74 75 76 77 78 79 एंड 80। अब देखो ये टोटल 80 है कि नहीं है, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखा है वो चेक भी कर लीजिए, मुझे भी डाउट हो रहा कि शायद मैंने गलत लिखा हो, तो हम अपना चेक कर रहे हैं कि हमने गलत लिखा या सही लिखा। ठीक है, तो जिनोन में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यहाँ पे क्रोमियम में 30, ये क्रिप्टन में 36 होते हैं, ये क्रिप्टन के 36 इलेक्ट्रॉन भरे गए, यहाँ पे भरे गए 54, यहाँ पे भरे गए 18 इलेक्ट्रॉन, तो 54 में 14 जोड़े तो हो गया 68 और 10 78 और 2 80, पूरा हो गया, एटॉमिक नंबर मैच कर गया, ये वाला पूरा है 54 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 2 टोटल किया 80 आ गया, इसका मतलब मैंने सही लिखा, मुझे डाउट हो रहा था, मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से ही चेक कर लिया। केमिस्ट्री लिखते समय आप केमिस्ट्री लिखिए भी और खुद से चेक भी कर लीजिए कि आपका गलत है या सही है, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर भी उसी में छुपा रहता है, वहाँ पे हम आपको टेक्निक बताएंगे कि कैसे आपको देखना है। तो क्लियर हो गया आपका, तो यहाँ से चलिए, लालू की पार्टी है ना, ला के बाद 14 एलिमेंट इधर है, तो उनको एक एक
हफ्ता देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ की फिलिंग हो जाती है, एफ की फिलिंग हो जाती है, तो ला के बाद जब हार्फोनियम आएगा तो हार्फोनियम में 14 की फिलिंग हो गई। देखो 57 के बाद सीधा 72 आ गया, क्योंकि 57 प्लस 14 तक एलिमेंट वहां तक है। तो 7 4 11, 5 1 6 और 1 7, यानी 71 एटॉमिक नंबर तक वहां है, इसलिए हमने यहाँ 72 शुरू किया। ऐसे यहाँ पे देखेंगे एक्टिनियम कितना होता है, कितना होता है 89, और 89 में हम जोड़ेंगे 14 एलिमेंट अकलर की पार्टी के नीचे हैं, बैठे हुए हैं, तो 14 बोले 9 4 3, 8 1 9 और 1 10, 103। तो यहाँ पे हम कहाँ से शुरू करेंगे, एटॉमिक नंबर 104 से शुरू करेंगे, ठीक है। केरल का साइंस टीचर है ना, केरल का, रब से फरियाद, हाँ ठीक है। 87, 88, 89, ठीक है। एक्टिनियम 89 पे गया और 89 से 14 एलिमेंट नीचे बैठे हैं, तो 14 हमने जोड़ लिए, यानी 103 एटॉमिक नंबर तक हमको यहाँ मिलेगा, यानी इसका एटॉमिक नंबर है 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, पर हमने ऐसे लिख लिया चेक करने के लिए कि हमारा लिखा जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सही भी है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हमने इसको लिख लिया। और कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे, इसके बहुत ध्यान से करना है। अब फटाफट सबके लिख डालिए, आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए, या तो इस फैमिली का लिख लो, चाहे इस फैमिली का लिख लो, चाहे इस फैमिली का, किसी का भी लिख लो आप। कंसेप्ट वही है कि अगर एक्सेप्शन है, यानी डेड मार्क है नीचे, कौन कौन एक्सेप्शन है, कौन कौन है, एक फैमिली पूरी, 11 फैमिली पूरी एक्सेप्शन है, यानी क्यों आगरा आयो आरजी, क्यों आगरा आयो आरजी पूरा का पूरा एक्सेप्शन है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। और क्या एक्सेप्शन है, कृष्ण मोहन नबी रुके रहो पड़े पिटोगे, इतने से एक्सेप्शन है, बस ये आपको याद रखना है। चलिए इनका देखिए, वाइट्रियम, इसके बाद यह क्या हुआ, क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद कौन सी नोबल गैस, जिनोन, और जिनोन के बाद कौन सा, सिक्स पीरियड में आ गए हो तो 6s2 एंड 6 से एक कम, यानी 5d1, और चाहे ऐसे देख लो कि यहाँ 4d1 भरी जा रही थी, तो यहाँ 5d1 हो जाएगा और एक ज़्यादा 6s2 हो जाएगा, यहाँ 4d2 और 5s2 था, तो यहाँ हो जाएगा जिनोन और 5d2 6s2, यहाँ हो जाएगा जिनोन, 4d4 था, लेकिन ये एक्सेप्शनल नहीं है, ये एक्सेप्शनल था, तो 5s में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया था, अब 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 6s2 हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो जंप किया था यहाँ से अब नहीं जाएगा, और 4d में हो जाएगा इसका, 4d नहीं 6 एक कम, यानी 5d में 3, टोटल 5 हो गए, 4 1 5 सही है। और नहीं तो 73 का टोटल करके देख लो, जिनोन प्लस ये और प्लस ये टोटल, देखो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि हमने हफ्ता नहीं दिया यहाँ पर, है ना, हो गई गड़बड़ी, तो इसीलिए ये लिख करके चेक कर लिया जाता है, 54 और 3 57, 2 59 ही बचे, है हो गई गड़बड़ी। अगर हम इसमें 14 और जोड़ देंगे तो वो सही हो जाएगा, 59 और 10 69 एंड 73 पहुंच जाएगा। तो ये वाली गड़बड़ी बस हमसे होती है, बस वही नहीं करनी है, वो गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए हम ये एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। तो जिनोन, जिनोन के बाद 6s2 और इधर 5d3 और 4f14, यहाँ पे भी हमने हफ्ता नहीं दिया है तो हफ्ता दे देते हैं भाई, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो जिनोन और जिनोन के बाद 4f14, थोड़ा साफ सुथरा लिख लेते हैं, 4f14 और 5d2 एंड 6s2। अब यहाँ आते हैं, ये जिनोन
जिन्हें उनके बाद हफ्ता देना है 4F14 को, और फिर इसी के पैटर्न पे जाना है। फिर देखो ये एक्सेप्शनल था, एफ का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया था, वापस वहीं चला जाएगा, यानी हो जाएगा 6s2। जगह थोड़ी कम पड़ रही है, 6s2, और ये हो जाएगा 5d, 5d4, 5d4, थोड़ा पास पास लिख देते हैं, 5d4, 6s2, ये हो गया। अब इसको लिखते हैं जिनोन, जिनोन के बाद ये हो गया 4d, ये नॉर्मल था तो ये भी नॉर्मल ही रहेगा इसी के जैसा, यानी पहले हफ्ता दे दो 4F14 को, और फिर 5D5 एंड 6D6F6S2। देख लो, चेक कर लो, 54 और 10 64, और 4 68, और 2 70 और 5 75, हो गया, मतलब सही लिखा है आपने। अब यहाँ देख लो, जिनोन 4F14 को हफ्ता दे दिया, फिर इस ये देखो एक्सेप्शनल था, ये एक्सेप्शनल नहीं है, तो क्या करेंगे, डी का एक इलेक्ट्रॉन इधर घुसा देंगे, यानी 6s2 एंड 5d6, ये हो गया, मतलब इसके जैसा जाएगा, इसके पैटर्न पे जाएगा, ये एक्सेप्शनल था, ये नहीं है। देन इसका थोड़ा ये पास पास लिखते हैं, 5d6 एंड 6s2, सही लिखा है ना, 4s 5s 6s2 एंड 5d6, ठीक है। ये देखो एक्सेप्शनल था, ये एक्सेप्शनल नहीं है, तो जिनोन और जिनोन के बाद हफ्ता दे दो 4F14 को, और उसके बाद 5D7 एंड 6S2। ऊपर वाले का याद है, ऊपर का देख करके बस आपको ध्यान देना है, उसी के पैटर्न में लिखते चले जाना है, कि यहाँ आर्गन था अब क्रिप्टन हो गया, और 3 की जगह 4D हो गया, 4S की जगह 5S हो गया। देन नेक्स्ट में जिनोन है, याद कर लो तुरंत, कौन रहेगा इराक में, इराक का लिखना है, तो कौन रहेगा इराक में, पहले कौन का लिखो और कौन का देख करके इराक का लिख दो, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, मतलब ऐसे ऐसे में लिखने की प्रैक्टिस करना है आपको। अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे ऐसे में प्रैक्टिस करना है तो आपको ज्यादा सुविधा रहेगी, ठीक। देन इसका लिखना है तो हम लिख कहाँ से रहे, ऊपर से देख के लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ग्रुप वाइज ही लिखेगा, याद रहेगा, निकल, और ये एक्सेप्शनल नहीं था, ये डबल एक्सेप्शनल था, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए थे, तो हमारा जो प्लैटिनम का होगा इसके पैटर्न पे बनेगा, इसके पैटर्न पे बनेगा, यानी जिनोन, और जिनोन के बाद हमने हफ्ता दे दिया 4F14 को, इसके बाद यहाँ पे आएगा 6s2, और उससे एक कम, यानी 5d8, टोटल भी चेक कर लो, 54 और 10 64 और 4 68 और 2 70 और 8 78 78, मतलब हमारा सही है, ठीक। AU में आ गए हम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जगह कम बची है, तो थोड़ी हम यहाँ जगह बना लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इसको थोड़ा उधर खिसका देते हैं, तो AU का क्या हो गया, जिनोन, जिनोन के बाद हफ्ता दे दिया हमने 4F14 को, और इसके बाद पूरा का पूरा फैमिली ही पागलों का है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 5D10 और 6S1 हो गया, इसी के पैटर्न पे लिख देंगे, ये भी एक्सेप्शन, ये भी सारी के सारे एक्सेप्शन है। अभी इसको चेक कर लेते हैं, इसको इसी के पैटर्न पे लिख देंगे, यानी जिनोन और जिनोन के बाद हफ्ता दे दिया 4F14 को, उसके बाद 5D10 और उसके बाद 6S2, ठीक। चाहे ऐसे चलो, चाहे ये देखो कि छठवां पीरियड है तो 6S2 भरी जाएगी, उससे एक कम D भरी जाएगी, और छठवें पीरियड में जिनोन ये वाली नोबल गैस होगी, और फिर याद रखो छठवें पीरियड में एक बड़ी वाली गुंडों की पार्टी बैठी है जिसको हफ्ता देना है 4F14 का, ऐसे करके याद कर लो। जब भी लिखोगे गाना गागा के याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी, बोल बोल करके याद करना, मतलब लिखना याद नहीं करना, बोलते जाओ लिखते जाओ,
तो आपको कहानी पूरी याद हो जाएगी और आपका कभी गलत भी नहीं होगा। फिर थोड़े दिन बाद कहानी गाना छोड़ दो और सीधे सीधे कहानी कहना छोड़ करके सीधे सीधे डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। अब चलिए कहाँ से किसका लिखें, चलिए इसी का कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा, आर्गन क्रिप्टन जिनोन, यहाँ पे कौन सी भरी जाएगी, रेडोन भरी जाएगी, और सेवेंथ पीरियड में आ गए हैं तो 7s भरी जाएगी। और चाहे फिर यहाँ से देख लो कि रेडोन के बाद 7s भरी जाती है, ये याद, अगर भूल जाओ कि कौन सी गैस भरी जाएगी तो ऐसे लिख लो, हीने अगर का 0 रन पर ऐसे लिख लो, हीलियम के बाद 2s, 2s याद रहता है, फिर 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, इससे भी याद हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भरी जाएगी जिनोन, जिनोन के बाद रेडोन, रेडोन, और रेडोन के बाद हमें हफ्ता देना है किसको, किसकी पार्टी मिलेगी यहाँ, अक्लर की पार्टी में किसको हफ्ता देना है, 5F को देना है, 5F14, और उसके बाद 6D10 और 7S2। अब टोटल भी चेक कर लेते हैं, 86 यहाँ रेडोन का भर गया, रेडोन में 86 भर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनोन में 54 भर जाते हैं, ये भी याद रखिए आप थोड़ा सा कि जिनोन में 54 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब हो जाता है, रेडोन में 86 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब हो गया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 86 है। अब बाकी का जोड़ करके टोटल कर लो, 112 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 86 और 10 96 और 400 112 हो गया। इसका मतलब आपने एकदम सही लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, लिखने के बाद चेक भी कर लिया करिए, ये बहुत जरूरी है। तो कोई मिस्टेक अगर हो रही है, जनरली मिस्टेक क्या होती है, हम लोग ये 5F भरना भूल जाते हैं या 4F भरना भूल जाते हैं, 6 और 7th पीरियड में मिस्टेक होती है, इसमें तो नहीं होती है। तो ये एक मिस्टेक नहीं होगी जब आप ये टोटल करके भी चेक करते जाएंगे। अब आ गया इसकी बारी, तो यहाँ पे क्या था, जिनोन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडोन, और रेडोन के बाद ये एक्सेप्शनल है, बिल्कुल है, क्योंकि पूरी फैमिली ही पागल है, एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पे आ गया 5F को हफ्ता देना है 14, कि इसी के पैटर्न पे 5D की जगह कौन सा हो जाएगा, 6D10, और ये हो जाएगा 7S1। यहाँ आइए जिनोन, जिनोन के बाद रेडोन, और हफ्ता देना है 5F14 को, ये पागल नहीं है, ये दोनों पागल थे। इसका पैटर्न कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s2 का हो जाएगा, ये कौन सी फैमिली भर रहे, मीन्स कौन सा पीरियड में आ गए हो आप, 7 में, रेडोन के बाद 7 चाहिए, देखो 7th पीरियड है, तो 7s2 और 7 से एक कम, यानी 6d8। 7s2 6d8। यहाँ आइए चेक भी कर लो, यहाँ पे 86 है, 110 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 86 और 10 96, 400 110 हो रहा, सही है, है? यहाँ देखिए जिनोन के बाद रेडोन, रेडोन के बाद 5F14 और फिर 5D की जगह क्या हो जाएगा, 6D, इसके पैटर्न पे भरी जाएगी, तो पागल है ना, ये पागल नहीं है, तो 6D7 और 7S2 चेक कर लो, 86 और 10 96 400 और 109 हो गया पूरा, ठीक है। HS को देखिए, यहाँ पर इसके पैटर्न पे भरेंगे, इनमें सब में केवल ये पागल था, तो ये भरेंगे, तो फर्स्ट के पैटर्न, फर्स्ट का पैटर्न बस याद रखिए, और फर्स्ट का पैटर्न याद रखना सिंपल है, 26 है तो ये F में जाएगा, ये D में जाएगा, सीधा बना दिया 3D6 4S2, ये भी याद नहीं करना, बिल्कुल दिमाग वाला काम ही नहीं है, बिना प्रेशर के आप केमिस्ट्री याद कर सकते हैं एकदम फनी तरीके से। इसको और ज्यादा अच्छे से कैसे याद कर सकते हैं, नेम प्लस थिंग जैसा गेम खेलिए आप बच्चों के साथ, उसमें एक कॉलम बनाइए एटॉमिक नंबर का, एक कॉलम बनाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और एक कॉलम में ये मतलब कि टोटल एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है, लेंथेनॉइड है नहीं है, इस तरह से कुछ 3-4-5 कॉलम, हर कॉलम में 10-10 नंबर दे दीजिए, टिक टिक टिक, वो क्या खेलते हैं, टिक टिक वन टिक टिक टू वाला गेम खेलते हैं, वो खेलिए आप उस तरीके से, तो बहुत अच्छे तरीके से ये आपको याद हो जाएगी, और बिल्कुल दिमाग पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब याद कर लिया। देन ये हो गया, यहाँ HS की बात आई तो जिनोन, जिनोन के बाद आ गए हम
रेडोन भरी जाएगी, और 7s सेवेंथ पीरियड है तो 7s भरी जाएगी। अभी एक्सेप्शनल चेक करो, नहीं है, रेड मार्क नहीं किया है, मतलब इसी पैटर्न पे होगी, यानी 7s2 और 3d, 7 के पहले कौन सी 6d, बस ये याद रखना। ऐसा गलती होता है कि यहाँ 3d है तो फट से यहाँ 3d भर दिया, ये याद रखो कि 7s में जा रहे हो, मतलब सेवेंथ पीरियड है तो 7s2 भर रहे हो, उससे एक कम d भरना है, नहीं गलती में 3d भर दोगे। मैं भी भर देती हूँ जल्दी में, यहाँ से उठा के 3d यहाँ रख देती हूँ, वो नहीं करना है। और 5f को हफ्ता, उससे एक कम वाले को हफ्ता देना है, होता है ये याद रखो। सेवेंथ पीरियड में 5f भरी जाती है, सिक्स पीरियड में 4f की फिलिंग होती है। तो 5f 14 और 6d कितना है यहाँ पे 6, टोटल चेक कर लो, 86, 10, 96, 400, 108 कंप्लीट है, एकदम सही है, सही जा रहे हैं। ऐसे चेक भी कर लो किसके आए, रेडोन 5F14 और 6D5 और 7S2, यहाँ से मैच कर लो। ठीक है, 7S2 है और D में 5 है तो D में 5 भर दिए, F14 है, टोटल भी चेक कर लो आप, मिला लो टोटल करके यहाँ पे। इससे सीबोर्जियम में आ गए तो ये भी एक्सेप्शनल नहीं है, तो बिल्कुल फर्स्ट वाले के पैटर्न पे नहीं जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला एक्सेप्शनल था। ध्यान दीजिए, ये एक्सेप्शनल था, ये एक्सेप्शनल नहीं है। एक्सेप्शनल नहीं है तो क्या होगा, इसके एस के इलेक्ट्रॉन दोनों एस के पास ही रहेंगे, तो ये हो गया रेडोन। रेडोन के बाद हफ्ता देना है किसको, 5F को, है ना, 5F को 14 हफ्ता दे दिया, इससे एक ज्यादा डी यानी 6d भरी जाएगी। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया है तो डी में 4 होंगे और F में 2 होंगे, यानी 7s2। चेक कर लो कोई गड़बड़ी, 86 और 10, 96, 406, 106 हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है, एकदम बढ़िया बात है। इसका देखिए, रेडॉन 5f14 हफ्ता दे दिया, इससे एक ज्यादा डी यानी 6d भरी जाएगी, उससे एक ज्यादा एस यानी 7s, चाहे ऐसे ध्यान रखो, सेवेंथ पीरियड में जा रहे हो तो 7s भरी जाएगी, उससे एक कम डी भरी जाएगी, उससे एक कम एफ भरी जाएगी। ठीक है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऊपर वाले का मुंह देखो, ऊपर वाले में डी में 3, एस में 4, तो डी में 3 भर दो, सॉरी एस में 2, 4 नहीं है, 2। चेक भी कर लो, 86 और 10, 96, 400 और 305, 105, ठीक है। यहाँ देखिए, रेडॉन 5F14, उससे एक ज्यादा D यानी 6D, उससे एक ज्यादा S यानी 7S। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या हो रहा है, 3D में 2 और 4S में 2, टोटल चेक कर लो, 86, 10, 96, 400, 104, 104 हो गया पूरा कंप्लीट। एक्टिनियम का देख लो, ध्यान देना, एक्टिनियम में हफ्ता नहीं देना है आपको, एक्टिनियम के बाद हफ्ता चालू होता है, तो लीडर है ना, ये तो हफ्ता लेता है, तो इसके पास ये क्यों हफ्ता देगा, ये हफ्ता नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो, इसका पैटर्न देख लो चाहे, तो जिनोन के पास हो गया रेडोन, और रेडोन से एक ज्यादा मीन्स यहाँ पे हो गया 7s भरा जाएगा, तो 7s2, उससे एक कम डी यानी 6d, और 6d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, तो वहाँ s2 और d1 था, तो यहाँ भी s2 और d1 है ना बेटा। कितना सिंपल है, पूरी पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपने।